हेलो एवरीवन, दिस इज मलिक इश्फाक एंड यू आर वाचिंग कश्मीरी डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज और एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, जिसके लिए 10th 12th ग्रेजुएट वाले इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज होने वाली है। 7000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई है और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बट इसके लिए आपको लिमिट टाइम होगा, यानी कि 30 दिन के अंदर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, चैनल पे नए हैं, आप चाहते हो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। सबसे पहले आप नीचे कमिट करना आप किस स्टेट से हैं एंड आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां से देख सकते हो ये नोटिफिकेशन ESIC यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने आउट किया है, जो कि 13 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। 30 दिन के अंदर आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 13 नवंबर तक आपके पास टाइम होगा। बहुत सारी पोस्ट्स आउट हुई है, आप यहां से देख सकते हो। मल्टी टास्किंग स्टाफ, लोअर डिविजन क्लर्क, अपर डिविजन क्लर्क, हेड क्लर्क, असिस्टेंट एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड सेकंड, ये हैं पोस्ट जो इनकी तरफ से निकाली गई हैं। अब हम पोस्ट की बात करें, किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट आउट हुई हैं एंड इन वैकेंसीज के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। आप यहां से देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 3300 वैकेंसीज निकाली गई हैं। पे लेवल की बात करें 18000 से लेके 56000 आपकी सैलरी जा रही है। एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी एज मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25 इयर्स तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। इसके लिए मिनिमम मैट्रिक पास रखा गया है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए 2000 वैकेंसीज निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए 6000 प्लस वैकेंसीज आउट हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए अगर आपने कोई भी डिग्री किया है कंप्यूटर में तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं एंड आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, हेड क्लर्क, इसके लिए 3415 पोस्ट्स निकाली गई है। नेक्स्ट पोस्ट्स की बात करें, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर, इसके लिए 2500 पोस्ट्स निकाली गई है, आप यहाँ से देख सकते हो एंड यहाँ से आप पे लेवल भी देख सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अप्लाई जल्दी से करना क्योंकि इन वैकेंसीज के लिए लिमिट टाइम रखा गया है। बाकी अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे लिंक लाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप फॉर्म खुद भर सकते हो। बाकी मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं फॉर्म भरने में तो आप हमें नीचे कमिट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये PDF भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।